हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी किया। दोस्तों, स्टडी के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी जीडी 2024 एक बहुत बड़ी वैकेंसी जिसके लिए हम लेकर आए हैं मैथ्स और रीजनिंग। आपको मैं प्रीवियस ईयर पेपर जो 2023 में हुआ है जनवरी फरवरी में, वहां से मैथ्स और रीजनिंग को कवर कराने की कोशिश करूंगा। आइए जानते हैं एसएससी जीडी 2023 में क्या क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंस है। एसएससी जीडी 2024 CRPF, BSF, ITVP, CISF, SSB और ऑल SSC एग्जाम के लिए मैं मैथ्स और रीजनिंग आपको कवर कराने वाला हूँ। आज जो हमारा है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1 है, डेली चलेगा शाम के 5 बजे से 6 बजे तक। ठीक, अभी आज हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर हमारा ऐप आप देख रहे हैं तो यूट्यूब पे आपको मिलेगा स्टडी किया के नाम से, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं आपको जो आज की क्लास होगी उसकी PDF डाल दूंगा। ठीक है, राइस इंस्टीट्यूट सिंगोड़ी के नाम से। अगर आप देखेंगे इंस्टाग्राम में तो स्टडी किया 20 के नाम से, और अगर इंस्टीट्यूट तो ऑफलाइन बैच का नाम है राइस इंस्टीट्यूट सिंगोड़ी के नाम से, आपको ऑफलाइन बैच देखने को मिलेगी। क्या क्या मिलेगा? डेली प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, उसके अलावा और क्या मिलेगा? डेली प्रैक्टिस पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वीकली टेस्ट, रिविजन क्लास, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, डाउट सेशन और स्टडी मटेरियल। चलो अभी बात करते हैं एसएससी 2024 की जो वैकेंसी है उसके लिए हमारे पास कितनी पोस्ट है उसकी बात हुई है। तो यहाँ पे BSF, CISF, CRPF, SSB, ITVP, AR, SSB ऐसी सारी वैकेंसी अलग अलग पोस्ट के लिए डिवाइड है। अगर मैं बात करूँ OBC पोर्शन तो OBC पोर्शन यहाँ पे इतना है, और जिसमें CISF की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। अगर फीमेल की बात करूँ तो फीमेल में भी यहाँ पे सारा कुछ डेटा दिया हुआ है, और फीमेल के डेटा में भी टोटल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक, टोटल आपको यहाँ पे जो मेल पर्सन के लिए जो वैकेंसी है वो है 23,000, और फीमेल पर्सन के लिए जो वैकेंसी है वो समथिंग 2700 के आसपास। तो टोटल मिल के जो होने वाली है, टोटल मिल के होने वाली है 26,000 कुछ, 26,146 पोस्ट के लिए है। आप अगर तैयारी करते हैं तो एक सीट हमें चाहिए, बहुत अच्छे से हमें सीट मिल जाएगी। चलो आगे देखो क्या है। ये एज रिलैक्सेशन आपको कहाँ से कहाँ तक, 18 से 23 तो वैसे होना चाहिए, मगर एज रिलैक्सेशन वहाँ यहाँ पे दे दिया है। जैसे ST या SC का है तो उसको 5 साल का है, OBC का अगर कोई व्यक्ति है तो उसको 3 साल के लिए है, एक्स सर्विस मैन को भी 3 साल का है। अगर यहाँ पे चिल्ड्रन एंड डेवलप डिपेंड ऑफ विक्टिम्स केड इन 1984 अगर इस वाले एक्ट के तहत आते हैं तो भी 5 साल का उनको छूट मिलने वाला है, और फिर अगर 1984 के सेकंड रूल से आते हैं तो उसे 8 साल का। ठीक, और चिल्ड्रन डेवलप एंड विक्टिम्स तो उसके लिए कितना है, 10 साल का रिलैक्सेशन है। ठीक है, चलो क्या क्या हमें पढ़ना है पेपर के लिए। हमें पढ़ना है, 4 पार्ट में हमारा पेपर डिवाइड होगा। 4 पार्ट में कैसे कैसे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा, उसके बाद जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और हिंदी इंग्लिश। आप यहाँ पे चूज करते हैं, आपको हिंदी में जो है लैंग्वेज जो है वो हिंदी चूज करना है या फिर इंग्लिश चूज करना है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्क्स होंगे। ठीक, सभी के लिए 20 क्वेश्चन हमें डिवाइड होंगे, 20-20 नंबर का हर सब्जेक्ट आपसे पूछा जाएगा, और एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर होगा। एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर मतलब 20-20 40 नंबर का आपका GK हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगा, 40 नंबर का GK GS हो जाएगा, 40 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, मैथ्स हो जाएगा, और 40 नंबर का आपका या तो हिंदी या तो इंग्लिश। टाइम पीरियड कितना होने वाला है, टोटल 60 मिनट में आपको पेपर देना होगा, 80 क्वेश्चन। देखो 20, 20, 40, 20, 60, 20, 80 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में करने हैं, और 60 मिनट में करने मतलब सही करने हैं ना, जबरदस्ती जल्दीबाजी नहीं करेंगे। ठीक, आज की बैच में हम ले रहे हैं, आज की क्लास में मैं अभी आपको कराने वाला हूँ रीजनिंग। इसकी जो अगली क्लास होगी मतलब इसी का पार्ट 2 जब आएगा तब मैं वहाँ पे आपको मैथ्स कवर करा दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो अगला पेपर लेंगे हम, मतलब अभी फर्स्ट शिफ्ट की मैं बात करूँ जो जनवरी और फरवरी में हुआ था, उसके पहले दिन के फर्स्ट शिफ्ट की मैं बात करूँ, फर्स्ट शिफ्ट में अगर मैं पहले वीडियो में आपको रीजनिंग कवर करा रहा हूँ तो सेकंड वीडियो जो आएगा इसका सेकंड पार्ट जो आएगा उस पर आपको मैथ्स कवर करा दूंगा। ठीक है, चलो तो देखा जाए फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। एक पूर्ण भाषा में मैरिड, देखो वर्ड जो लिखा हुआ है उसको हमें बहुत अच्छे से समझना है और कहना क्या चाह रहा है पहले हमें उसको दिमाग लगाना है। देखो क्या लिखा हुआ है, मैरिड, MARIME, ये मैरिड। इसको क्या लिख दिया बोले, इसको लिख दिया है इसने 100। अच्छा, और फिर क्या लिख दिया है, नॉर्मल, NORMAL, इसको क्या लिख दिया है बोले 126। अच्छा, तो इसी रूप में इसने क्या बोला है, इसी रूप में इसको चाहिए REAL, इसको क्या लिखेगा, इसको ये चाहिए। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले आपको अल्फाबेट थोड़ा सा काउंटिंग के हिसाब से थोड़ी ध्यान रखनी चाहिए। अल्फाबेट की अगर मैं बात करूँ तो अल्फाबेट में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ A से। ठीक है, A B C D E F
जी एच आई जे के एल एम, उसके बाद क्या आएगा एन, यहीं से लिखना एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अच्छा इनको नंबर्स भी दे दो, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, छः नंबर, सात नंबर, आठ नंबर, नौ नंबर, दस नंबर, ग्यारह नंबर, बारह नंबर, तेरह नंबर। इसी के नीचे से देना शुरू करो, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाईस, तेईस, चौबीस, पच्चीस, छब्बीस। अब हमारे पास जो जो वर्ड दिया मैं उनके नंबर से लिखाऊँ, एम, एम के लिए आता है तेरह, प्लस कर दो ए, ए के लिए आता है ए, प्लस आर, आर के लिए अठारह, प्लस आई, आई कहाँ पे आ रहा है, आई आ रहा है नौ पे, नौ, प्लस एन, एन आ रहा है चौदह पे, चौदह, प्लस ई, ई के लिए पाँच। सबको जोड़ो, सबको जोड़ने पे कितना मिलेगा, सबको जोड़ने पे तेरह और एक चौदह, चौदह दूनी अट्ठाईस, अट्ठाईस और पाँच तैतीस, तैतीस और नौ बयालीस, बयालीस और आठ पचास और दस साठ, ये आ रहा है जोड़ने पर साठ। अच्छा इसको जोड़ो जरा क्या हो रहा है, एन, एन के लिए आता है चौदह, प्लस ओ, ओ के लिए पंद्रह, आर के लिए अठारह, एम के लिए तेरह, ए के लिए एक और एल के लिए बारह। ठीक है जोड़ो सबको, क्या हो जाएगा वापस से, अठारह और बारह मिलकर तीस, ये एक, ये चौदह, पंद्रह और पंद्रह तीस, तीस दूनी साठ, दस सत्तर और तीन तिहत्तर, इन सबको जोड़ने पे आ रहा है तिहत्तर। अब मुझे इस साठ को सौ बनाना है तो मैं क्या करता हूँ, गुणा दो कर दो तो साठ दूनी एक सौ बीस और माइनस कर दो बीस, हाँ सौ आ जाएगा भाई, सौ आ जाएगा। अब इसको क्या कर सकता हूँ, तिहत्तर को गुणा करूँगा मैं पहले दो से, तो तीन दूनी छः और सात दूनी चौदह, एक सौ छियालीस, इसमें से भी माइनस करना है मुझे बीस, माइनस जैसे ही मैं करता हूँ बीस तो आ जाएगा एक सौ छब्बीस आ रहा है, बहुत सही ट्रिक अपनी काम आ गई है। आर के लिए हम लगा देंगे अठारह, प्लस ई के लिए पाँच, ए के लिए एक, एल के लिए बारह और एन के लिए तेरह, सबको जोड़ा जाए, अठारह और बारह मिलकर तीस, तीस दस चालीस, पाँच पैंतालीस, तीन अड़तालीस और एक उनचास, सबको जोड़ने पे आ रहा है उनचास, गुणा दो कर दो तो उनचास दूनी पचास दूनी सौ, अंठानवे, अंठानवे में से बीस को घटाया जाए, अंठानवे में से बीस को घटाने पर अठहत्तर आपका सही आंसर होना चाहिए, अठहत्तर कहाँ, हाँ ये रहा, अठहत्तर आपका सही आंसर है, बताएं बात समझ आ गई, अठहत्तर आपका सही आंसर है। इसके लिए ये फालतू का काम था, ये आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए, क्वेश्चन तो दो मिनट का भी नहीं था, क्वेश्चन आधा मिनट का था, क्वेश्चन आधा मिनट का था, इस पर हमारा टाइम वेस्ट हुआ है। ठीक है तो इसको ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन हमारा बहुत आसानी से बन जाएगा। ये लो जबरदस्त क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, आठ व्यक्ति डी ई जी एच एम एन और वाई और जेड एक सीधी रेखा सीधी पंक्ति में उत्तर की तरफ दक्षिण कर मुख करके बैठे हुए हैं। देखो भैया आठ लोग बैठे हुए हैं, पहले बना दो एक लाइन बना देता हूँ, हाँ दो कंडीशन बनाते हैं, दो कंडीशन इसलिए बना लेते हैं, हो सकता है पहली गलत हुई तो हम दूसरे में काम कर लें। चलो मैं दो कंडीशन बनाता हूँ, आठ लोग मेरे बैठे हुए हैं तो मैं आठ जगह बना रहा हूँ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, इसके लिए भी सेम, एक दो तीन चार पाँच छ सात, ये आठ लोग मेरे बैठे, क्या बोला है सबके नाम दे दिया है। अब यहाँ से पढ़ेंगे, देखो बाय पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा, भाई हो सकता है बाय यहाँ पे बैठा हो या हो सकता है बाय यहाँ पे बैठा हो, क्योंकि एक सिरा तो इधर का भी हो सकता है, एक सिरा उधर का भी हो सकता है, अभी कुछ नहीं करना है। फिर क्या बोला है, बाय और जेड के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं, देखो तीन व्यक्ति छोड़ो और जेड यहाँ लाओ, तीन व्यक्ति छोड़ो और जेड यहाँ लाओ, ठीक है दो लाइन हमारी सॉल्व हो गई। फिर क्या बोला है, ई जेड के दाई ओर, जेड के दाई, अच्छा दाई और बाई समझना, दाई और बाई, ये बाई और दाई क्या है भैया, दाया मतलब, दाया मतलब सीधा और बाया मतलब उल्टा, ठीक है दाया मतलब सीधा, बाया मतलब उल्टा, क्या बोला हुआ है उसने, बोला है ई जेड के दाई, जेड ये है, जेड का दाया इधर, जेड का दाया इधर दूसरे स्थान पर, एक दो यहाँ पे ई बैठा है, जेड का दाया इधर यहाँ पे ई बैठा हुआ है, ठीक है दूसरे स्थान पर बैठा है, ई और डी के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं, देखो ई ये है, ई यहाँ पे ये है, तो डी के बीच तीन व्यक्ति, तो डी यहाँ पे आएगा इधर, डी यहाँ पे आएगा, एक दो तीन यहाँ पे डी आ जाएगा। फिर क्या बोला है, ई और डी के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं, जी डी, जी डी के बाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा है, जो जी है ना वो डी के बाईं ओर, डी के बाईं, डी का बायां, डी के बाईं ओर एक स्थान पर बैठा है, लेकिन पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं, सोचो अगर मैं
यहाँ पे जी को बिठाता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर यहाँ पे जी को बिठाता हूँ तो ये तो सिरा हो जाएगा, मतलब ये ऑप्शन कट, यहीं पे जी बैठेगा, पंक्ति के किसी सिरे पर नहीं बैठा है, एम जेड के ठीक बगल में नहीं बैठा है। भाई एम जो है वो जेड के ठीक बगल में नहीं है, तो मैं बोल देता हूँ एम यहाँ पे बैठा हुआ, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर बोला है एन एच के दाईं ओर दूसरा, एन जो है एच के दाईं ओर दूसरा, मैं बोलता हूँ यहाँ पे एच लेता हूँ, इसका दायां ये, इसके इधर एन, यहाँ पे आ गया एन एच के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। एच के बाईं ओर क्वेश्चन है, एच के बाईं ओर कितने व्यक्ति, भाई ये रहा एच, इसका बायां मतलब इधर कितने व्यक्ति, तीन व्यक्ति, एच के बाईं ओर तीन व्यक्ति, ये रहा क्वेश्चन का आंसर। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर का, ठीक है, उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अक्षर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। भैया अपने को यहाँ पे लेके आना है, यहाँ पे लेके आना है, तो डी के बाद ई ठीक है, ई के बाद एफ आ जाता, तो एफ के बाद जी और जी के बाद एच, हाँ मतलब एफ से शुरू होना चाहिए, बहुत सही, एफ से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन रहा, मतलब यह अपना सही आंसर होगा, ठीक है। चलो आगे चला जाए, क्या बोला हुआ है, उस विकल्प पर चयन कीजिए जिसे कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है, शब्दों का अर्थपूर्ण शब्द के रूप में मानना है और उन्हें शब्द में अक्षरों व्यंजनों स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं करना है। दोस्त दिया है ना, दोस्त के लिए दिया है दुश्मन, तो मरना के लिए आना चाहिए जीना, मरना के लिए जीना है क्या, हाँ भैया चौथा नंबर ऑप्शन, ये आंसर आपका सही है, मरने के लिए जीना, ठीक। चलो आगे चला जाए, मिरर इमेज, मिरर इमेज बनाएंगे तो देखो टी टी जाएगा उल्टा, अच्छा इसके ऑप्शन ये क्या, इसके ऑप्शन मैं आपको देता हूँ, ऑप्शन जो है इसके, ऑप्शन क्या देना यार आंसर बता दो, क्योंकि ऑप्शन लिखेंगे टाइम वेस्ट होगा। देखो आंसर बताओ, ई होगा उल्टा, ठीक है, उसके बाद वी, वी तो जो कहते होगा सिक्स, सिक्स भी हो जाएगा उल्टा, उसके बाद थ्री, थ्री देखो इधर है तो थ्री हो जाएगा उल्टा, ठीक है, उसके बाद ओ में तो कोई फर्क वैसे भी नहीं पड़ना है, आर, आर होगा उल्टा, आर हो गया उल्टा, और जी, जी भी होगा उल्टा, तो समथिंग ये जाएगा भाई, ठीक। अब ऐसा ऑप्शन जो भी मिला होगा आप उसको मैच कर लेना, क्योंकि ऑप्शन लिखाने में टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। चलो आगे चला जाए, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप में सही बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। हाँ भैया एक बात ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो भी यहाँ पे दिया हुआ है, जो भी सिंबल दिया है उसको पर्टिकुलर रखना पड़ेगा, रखने के बाद सॉल्व करना पड़ेगा। हो सकता है कि पहला ही आंसर आ जाए, दूसरा आ जाए, तीसरा आ जाए, मगर दूसरा ऑप्शन नहीं है अभी के लिए, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, 72 माइनस 6 प्लस का 2 गुणा 216 भागित 24 और बराबर के इधर 420। मैं क्या करता हूँ, मैं पहले ऑप्शन को ले रहा हूँ और मैं माइनस और भाग को चेंज कर रहा हूँ, मतलब जहाँ माइनस होगा उसके यहाँ भाग लगा दूंगा और जहाँ भाग होगा उसके यहाँ माइनस लगाने वाला हूँ, मतलब ये हो जाएगा 72 भागित 6 प्लस 2 गुणा 216 और जहाँ भाग है उसके यहाँ क्या लगाने वाला हूँ, माइनस, और ये रहा 24 बराबर के इधर है 420, 6 कम 6 12 छिंग 72, ठीक है, इन दोनों का गुणा करो तो 200 दुनी 400, 16 दुनी 32 मतलब 432, इधर है प्लस का 12, इधर है माइनस का 24 और बराबर इधर है 420, 24 और 12 इन दोनों को घटाओगे माइनस का 12 बचेगा, इधर 432 है और इधर 420 है, इन दोनों को घटाओगे 420 आ रहेगा, चलिए 420 मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही आ गया, मजा आ गया, मगर दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, आपको वैल्यू को रखना ही पड़ेगा और फिर सॉल्व करना पड़ेगा। मैं सॉल्व करने पे, हाँ फर्स्ट पे आंसर नहीं आ पाता तब हम सेकंड वाला करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन देखा जाए, गजब यार क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है तीन कथन दिए हैं जिसके बाद तीन निष्कर्ष, एक दो तीन दिए हैं, अच्छा निष्कर्ष भी दे दिए कि अच्छा ठीक है, तीन कथन इधर तीन निष्कर्ष है, कथनों को सत्य मानते हुए, मतलब अपने को कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, जैसा लिखा वैसे मानेंगे, भले ही वैसा मान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, निर्धारित करें कि कौन सा निष्कर्ष कथनों के तार्किक रूप का अनुसरण करता है या करता है। देखो क्या बोला है, पहला क्या बोला है, पहला कथन है कुछ पेंट ब्रश है, कुछ पेंट ब्रश है, मुझे पहले कुछ पेंट को ब्रश बनाना, देखो ये रहा पेंट ये रहा ब्रश, मैं बोलता हूँ कुछ पेंट जो है ये ब्रश है, हाँ होगा भाई होगा, मेरे कुछ तो होगा, यहाँ पे बीच वाला पोर्शन होगा, सभी ब्रश चित्रफलक है, सभी ब्रश चित्रफलक है, ये लो सभी ब्रश मेरा चित्रफलक हो गया, चित्रफलक सभी ब्रश चित्रफलक है, अच्छा कुछ चित्रफलक टेबल है, कुछ चित्रफलक टेबल है, टेबल इधर आ रहा है ये टेबल, कुछ चित्रफलक टेबल है। अब इसका निष्कर्ष क्या दिया हुआ है, देखो
कुछ ब्रश टेबल है, ब्रश टेबल है बिल्कुल नहीं है, पहला गलत। दूसरा बोला है कुछ पेंट चित्रफलक है, भाई पेंट कहाँ है, पेंट पेंट ये रहा चित्रफलक है, हाँ ये बात हो सकती है, बात हो सकती है। दूसरा कह सकते हैं कुछ चित्रफलक ब्रश है, चित्रफलक ब्रश है, बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं तो कुछ के साथ जाएंगे, मतलब सही, मतलब अनुसरण दो और तीन, निष्कर्ष जो है वो दो और तीन अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष दो और तीन अनुसरण करते हैं। थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन आपका सही है, थर्ड ऑप्शन आपका सही है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका जाएगा। चलो आगे देखा जाए, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए विकल्प में दिए गए दिए किन दो चिन्हों को, अरे यार सेम क्वेश्चन आ गया क्या, 790 दो को अपने को बदलना है, प्लस का 5 डिवाइड का 58 मल्टीप्लाई का 5 माइनस का 96 और इक्वल में 352। मुझे क्या करना है, वापस से ऑप्शन रख के चेक करना पड़ेगा क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं है, मैं अभी पहला दे रहा हूँ, प्लस की जगह भाग लिख दूंगा, भाग की जगह प्लस लिख दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 790 प्लस की जगह भाग 5 और भाग की जगह प्लस 58 और गुणा में 5 और माइनस का 96 और बराबर कितना आना चाहिए बोले 352। सॉल्व किया जाए, 5 एकम 5 5 एकम 5 बचा 2 5 25 बचा 4 5 8 40 158 प्लस यहाँ पे गुणा कर रहे हैं 5 8 40 4 5 25 और 4 29 माइनस 96 बराबर कितना आना चाहिए बोले 352। चलो देखो 290 में से 96 घटाओगे तो ये तो आता 200 मगर 6 और घटेगा मतलब 194 ये प्लस है, ठीक है, यहाँ पे 158 है प्लस का 194 बराबर कितना आना चाहिए बोले 352। 8 और 4 12 बचा 1 9 5 14 और 1 15 बचा 1 1 1 2 और 1 3 हारे घटे गए 352, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही है। चलो आगे चला जाए, आगे क्वेश्चन कहता है उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे से संबंधित है। अच्छा 13 7 13 8 1 8 और 2 8 16 हाँ मतलब गुणा 8 हो रहा है तो इसको गुणा 8 किया जाए, गुणा 8 करने पर 8 7 56 का 6 बचा 5 8 3 24 और 5 24 और 5 29 296 के आगे बच गया। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर है, 296 आपका सही आंसर है, ठीक है। चलो आगे चला जाए, हाँ क्या बोल दिया, ठीक ठाक दिख रहा है क्या, ठीक ठाक दिख रहा है, हाँ हाँ थोड़ा दिख जाएगा, थोड़ा एडजस्टमेंट आप भी करेंगे, थोड़ा पिक्सल खराब है मगर दिख जाएगा। उस विकल्प आकृति का चयन करें जो नीचे दी हुई आकृति में अंतर नहीं था, भैया मैं थोड़ा सा कलर आपको चेंज करके दिखाना चाहता हूँ और कलर कर रहा हूँ ग्रीन, ठीक है, कलर कर देता हूँ ग्रीन और थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इस थर्ड वाले को देखिएगा, ये देखो ये 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 आया ये आया ये आया ये आया ये और ये, हाँ हाँ बिल्कुल थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा, थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है, थर्ड आंसर आपका आएगा। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन कहता है एक निश्चित पूर्व भाषा में डांस को, अच्छा डांस लिखो पहले तो डी ए एन सी ई, इसको क्या लिख रहे हैं भैया ए ई उसके बाद सी है, पहले सी है फिर उसके बाद डी है फिर एन, मतलब सब आगे पीछे हो गया, फिर उसी प्रकार क्या बोल दिया है, उसी प्रकार म्यूजिक को एम यू एस आई सी, म्यूजिक को क्या लिख दिया है आई यू सी एम एस, तो इसी प्रकार से, इसी प्रकार से सॉन्ग एस ओ एन जी इसको कैसे लिखेंगे, देखो फर्स्ट वाला जो है वो जाएगा लास्ट चौथे नंबर पे, फर्स्ट वाला जाएगा चौथे नंबर पे, मतलब एस आना चाहिए सबसे लास्ट में, एस सबसे लास्ट वाला ऑप्शन नंबर फोर आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि एस जाएगा सबसे लास्ट पे और एस अगर लास्ट पे जाता है तो चौथे ऑप्शन के अलावा अपने पास ऑप्शन नहीं। चलो क्या दे दिया, कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला, अच्छा इसको पूर्ण करेगा यहाँ पे भैया, देखो पहले में लैंप इधर के मुंह का था, दूसरा उधर हो गया, तीसरा इधर था, चौथा उधर हो गया, मतलब इधर आने वाला है, लैंप तो इधर ही आएगा, लैंप का मुंह तो इधर ही होगा, लैंप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लैंप ऐसे होने वाला है तो लैंप तो सारे में दिया, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। बुक के साथ क्या हुआ है, देखो बुक पहले ऐसे रखी हुई थी और देखो जो होल दिख रहा है ना ब्लैक होल, वो होल ऊपर गए फिर होल इधर आए, अब होल नीचे गए, अब होल इधर जाने वाला है, होल इधर जाएगा मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आने वाला है, सेकंड ऑप्शन आपका आने वाला है, ठीक। चलो आगे चला जाए, श्रृंखला को पूर्ण करना है मतलब यहाँ पे कोई नंबर आने वाला है वो अपने को चाहिए, 103 105
107, हाँ सही तो बन रहा है भाई, 103, 105, 107, 109, सही बात है, 110, अगर यहाँ 12 जाता है तो 14, हाँ 112, 112 है क्या ऑप्शन, हाँ ऑप्शन नंबर 3, 112 ऑप्शन आंसर सही। चलो आगे देखा है, निम्न में से कौन सी श्रृंखला दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, अच्छा यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे बनाने के लिए 4 × 2, 4 × 8, हाँ 8 किया जाए, 8 × 3 तो 8 किया होता है यहाँ पे 24, सोचो कि अगर यहाँ 24 होता तो 24 × 4 करना पड़ता, 24 × 96, हाँ 24 ऑप्शन है क्या, हाँ बिल्कुल 24 ऑप्शन है, देखो क्या हो रहा है, 8 × 16, 4 × 8, 8 × 24, 24 × 96, 96 × 5 आप करिएगा यह आएगा, और 6 आप करिएगा यह आंसर आ जाएगा, ठीक मतलब 24 आपका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन, छह दोस्त अभी, चलो छह दोस्त को बिठाना पड़ेगा भैया, ये लो ये लाइन है, इस पर छह दोस्त को बिठाना है, छह दोस्त को बिठाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, बोला है M N O P Q और R दक्षिण की दिशा में, मतलब अब इसका मुंह की तरफ, इनका जो मुंह है ये दक्षिण की दिशा में है, ठीक है, क्या बोला है, N P और Q के ठीक मध्य में है, मुझे ना P की स्थिति पता है ना Q की, मतलब ठीक है, O R के बाई ओर ठीक बगल में है, O R के ठीक अभी कुछ नहीं पता चला, फिर क्या बोला है, एम पी के दाई ओर ठीक बगल में है, अच्छा मतलब क्लू तो कहीं नहीं मिल रहा है यार, पंक्ति में बैठे हैं, एन पी और क्यू के ठीक मध्य में है, पी और क्यू के ठीक मध्य में है, ओ आर के बाई ओर ठीक बगल में, देखो मैं बोलता हूं पहले छह स्थिति बनाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्थिति बन गई, ओ आर के बाई ओर, देखो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, दक्षिण की तरफ मतलब नीचे की तरफ देखना, अब आर का बायां, आर का बायां किधर हो जाएगा भाई, बायां इधर हो जाएगा, आर के बाई ओर है भाई, आर के बाई ओर मैं बोलता हूँ, एग्जांपल ले लेते हैं, अभी आर यहाँ पे है तो ओ यहाँ पे जाएगा मान लेते हैं, अभी संभव नहीं, ठीक है, फिर क्या बोला है, एम पी के दाई ओर ठीक बगल में, पी के दाई ओर ठीक बगल में है, यदि क्यों पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठा है, देखो एक चीज कंफर्म हो गई, क्यों पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठा, बाएं सिरे कौन सा होगा भाई, इधर दाएं इधर बाएं, मतलब क्यों इधर है, क्यों इधर है, तो ये कंक्लूजन छोड़ दो, ये कंक्लूजन छोड़ दो, क्योंकि मुझे तो दक्षिण की तरफ देखना है, क्यों आ गया भाई लास्ट में, क्यों पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठा है, अब मैं पूरी लाइन पढ़ूँ, देखो उसने बोला था एन पी और क्यू के बीच में, मतलब कि यहाँ पे एन है और यहाँ पे पी है, अब बिल्कुल सही बात है, एन पी और क्यू के ठीक मध्य में आ गया, फिर बोला है ओ आर के बाई ओर, ओ आर के बाई ओर ठीक बगल में है, एम पी के दाएं ओर है, पी के दाया, पी का दाया यहाँ पे आ जाएगा एम, ठीक है, फिर क्या बोला है बगल में है, अब मुझे ये बताना पड़ जाएगा ओ आर के बाई, आर का बाया, देखो आर आर रखा होगा उसके बाया, आर रखा होगा उसका बाया, आर यहाँ रखा है उसका बाया, ये लो सब कुछ छह सेट हो गए, अब क्या बोला है तो ओ के बाई ओर ठीक बगल में, भाई ओ ये रहा उसके बाई ओर ठीक बगल में, एम बैठा है यार मेरे हिसाब से, तो ये लो एम आंसर आ जाएगा आर के ठीक बाई ओर, क्यों, क्योंकि दक्षिण की तरफ देखा है तो जो दायां होगा वो बायां हो जाएगा और जो बायां होगा वो दायां हो चुका होगा, ठीक। चलो आगे देखा जाए, ये लो फिर से वही श्रृंखला को पूर्ण करना है भाई, ए को ए के बाद अगर मैं छोड़ता हूँ बी तो आता है सी, सी के बाद छोड़ता हूँ डी तो आता है ई, ई के बाद छोड़ता हूँ एफ तो आता है जी, जी के बाद छोड़ता हूँ एस तो आता है आई, मतलब यहाँ ई वाला नंबर आएगा, ये लो ई वाला एक ही है, फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक। चलो आगे देखा जाए, आगे देखा जाए क्या बोला है, किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, अंग्रेजी शब्दकोश में बनाने के लिए अपने को क्या करना है, जो ए टू जेड लिखा होता है भैया, एक ही चीज ध्यान रखनी है कि ए टू जेड जो लिखा होता है आगे से ही चलेंगे हमेशा, देखो पी तो सब में है, ओ भी सब में है, अगला यहाँ आई है, फिर इधर डी है, मतलब पांचवा सबसे आगे आएगा, पांचवा सबसे आगे आने वाला है, पांचवा के बाद में फर्स्ट वाला आएगा क्योंकि उस पर आई आ गया है, उसके बाद में डबल में पी है और इधर एल है, पहले एल आता है मतलब दूसरा आएगा, उसके बाद में पी पी यू यू एल एल ए ए आर आ गया, इधर टी मतलब चौथा आएगा और फिर तीसरा आएगा, ऐसा कोई ऑप्शन 5, 1, 2, 4, 3, ये ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन देख लिया जाए, हाँ अच्छा ये सब प्रतीक दिया है, डॉलर दिया है, एट द रेट दिया है, आई दिया है, स्टार दिया है, इनफाइनाइट दिया है और प्लस दिया है, अगर सिंबल नहीं दिख रहा हो तो पहला भाई डॉलर है, दूसरा आपको एट द रेट दिया हुआ है, तीसरा आपको आयोटा दिया हुआ है, उसके बाद में एक स्टार दिया है, यह कुछ इस प्रकार वाला,
और उसके बाद इनफाइनाइट दिया हुआ है और फिर भागकर साइन दिया हुआ है। और क्या बोला है, प्रतीकों वाले एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाए गए हैं, मतलब एक साइड से कभी दिखाया कभी एक साइड से दिखाया, ऐसी सिचुएशन। भाग दर्शाने वाले फलक के विपरीत, भाग दर्शाने वाला मतलब इस फलक के विपरीत चाहिए भाई मुझे, इस फलक के विपरीत के लिए देखो इसको मैं इससे रिलेट करता हूँ और इस डॉलर को इससे रिलेट करता हूँ, तो इसके लिए एक ही ऑप्शन बचता है और वो है हमारा स्टार। स्टार है क्या ऑप्शन में, हाँ ये रहा ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा, जहाँ पे स्टार बना आपको मिलना चाहिए, ठीक वो आंसर होगा। इसके बाद चला जाए, अच्छा पी परसेंट क्यू का अर्थ ये है कि पी क्यू का भाई है, पी प्लस क्यू का अर्थ है कि पी क्यू की बेटी है, पी बराबर क्यू का अर्थ है कि पी क्यू का बेटा है, पी हैच क्यू का अर्थ है कि पी क्यू की पत्नी है। तो अपने को इस पर रिलेशन बताना है, रिलेशन बताने के लिए एल प्लस एम, देखो प्लस आता था तो उसकी बेटी, मतलब एल एम की बेटी है, मतलब एम की बेटी कौन हो चुकी है, एम की बेटी हो चुकी है एल। अब देखो एल एम की बेटी है मतलब मैं अभी कर प्लस माइनस से, प्लस में किसके लिए कर रहा हूँ, प्लस में डिनोट कर रहा हूँ लड़के के लिए बॉय के लिए, और माइनस डिनोट कर दूंगा गर्ल्स के लिए, ठीक है चलो। अब क्या बोला उसने, एल एम की बेटी है, एल एम की बेटी है मतलब ये नेगेटिव साइन। फिर क्या बोला है, एम परसेंट एम, देखो इसकी बेटी है, इधर लिख भी देते हैं बेटी, ठीक लिख भी देते हैं इधर बेटी है। अब आगे क्या बोला हुआ है, आगे बोला है एम परसेंट एन, परसेंट का मतलब पी क्यू का भाई, मतलब एम एन का भाई है, एम किसका भाई है, एम एन का भाई है, एन का भाई है, एम एन का भाई है, मतलब ये अभी प्लस है, ठीक है। फिर एन इक्वल क्यू, एन इक्वल मतलब पी क्यू का बेटा है, मतलब एन ओ का बेटा है, एन ओ का बेटा है, मतलब ये भी अभी पॉजिटिव क्योंकि बेटा है, किसका बेटा है, ओ का बेटा है, ठीक है अभी ओ का नहीं पता मुझे। फिर क्या बोला है, ओ हैज क्यू, पी हैज क्यू का मतलब है पी क्यू की पत्नी, मतलब ओ पी की पत्नी है, ओ ओ जो है वो किसकी पत्नी है, बोले पी की, ओ पी की पत्नी है, पी की पत्नी है, तो ये नेगेटिव और ये पति है, मतलब ये पॉजिटिव, ठीक। तो पी एल से, पी भाई एल से किस प्रकार संबंधित है, इसका बेटा उसका बेटा उसका बेटा, मतलब पोती, मतलब पी जो है दादा है, पी जो है उसका दादा है, पी एल से किस प्रकार संबंधित है, हाँ दादा, दादा ऑप्शन कर, ठीक दादा ऑप्शन कर, ठीक है। तो आज की क्लास को रखते हैं यहाँ तक, उम्मीद है कि मुझे आपको जो भी आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगले वीडियो मतलब पार्ट टू में जब मैं आऊँगा तो आपको फर्स्ट डे का जो पेपर था उसका मैं पूरा मैथ्स आपको कवर कराऊंगा। उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छे से पसंद करने वाले हैं, पूरे एक साल जो भी हमारा टाइम पीरियड है 2 महीने 3 महीने बहुत अच्छे से आप तैयारी कीजिए, सिलेक्शन तो हम ही लेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में, अगले कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।